अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो इनवर्स ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि हम एक फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+7। ये हमने एक फंक्शन लिया है। अब हम एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं। कोई भी लिख लें 2x+7। अब हमारे पास वाई क्या है, वाई हमारे पास रेंज है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एक्स पे, और एक्स क्या है हमारे पास डोमेन, डोमेन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और वाई क्या है हमारे पास डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एक्स पे। कि हम 1 पुट किया तो यहाँ पर 9 आ जाएगी, और 2 पुट करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये डिपेंड करती है वाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सही है, और ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इन्वर्स में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला फंक्शन है वाई इज इक्वल टू 2x+7। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y-7 इज इक्वल टू 2x, सही है, ये +7 था, इधर जाके -7 कर दिया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो मैं x पहले लिख देती हूँ, y-7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, x को सब्जेक्ट बनाया तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये हमारे पास इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये हमारे पास रेंज हो गया, और ये डोमेन हो गया, सही है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये कहलाता है हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिससे आपको ये इनवर्स ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक मज़ीद क्लियर होगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर रियल वैल्यू फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स -1, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम तमाम क्वेश्चन के लिए ये हमने चार चीज़ें फाइंड करनी है। तो ए पार्ट में पहले हम फाइंड करते हैं एफ इनवर्स एक्स फाइंड करते हैं, सही है। अब हमारे पास फंक्शन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8। तो हम इसे y के इक्वल लेट कर सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई की ही फंक्शन है, हमारे पास ये आउटपुट है -2x+8। अब हमने बोला था कि हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा y+8, और यहाँ पर आ जाएगा -2x, और ये यहाँ पर हमारे पास प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू y-8 डिवाइडेड बाय -2। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, x इज इक्वल टू 8 y/2, यानी हमने माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने की वजह से हमने 8 को पहले और y को बाद में। ये पुट y इज इक्वल टू x, यहाँ पर x पुट कर देंगे, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारे पास, 8-x/2, क्योंकि हमें f ऑफ x चाहिए, एफ ऑफ वाई चाहिए होता तो हम ये यहाँ पर लिख देते, मसला नहीं होता, मगर एफ ऑफ x चाहिए तो यहाँ पर x होना ज़रूरी है।
तो ये हमारे पास ए का आंसर हुआ। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी में हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स -1। तो इसका मतलब जहाँ पर एफ इनवर्स, तो हमारे पास ये आया है एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, -1। तो 8 माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और 8 + 1 9 होता है, 9 / 2, और ये हमारे पास 4.5 हो जाएगा। सही है। और सी बार में देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक यूज़ करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। तो ये इसका मतलब होता है कि हम एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एफ के अंदर पुट करेंगे। एफ क्या है हमारे पास, ये वाला फंक्शन जहाँ पर एक्स है, हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इनवर्स वाली। सही है। तो -2 और एक्स की जगह ब्रैकेट लगा दें पहले, +8, और अब हम एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह, ये आ जाएगी 8 - x डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर एलसीएम होगा, यहाँ से 2 2 से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +x + 8, क्योंकि माइनस साइन था ना यहाँ पर, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, और +8 ऐसे आ गया, +-8 कट गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x। और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फाइंड करना है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी अब इनवर्स के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो इनवर्स हमारे पास क्या था, 8 - x, 8 - x की जगह ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगी -2x प्लस 8। के बाद हमने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करना है, 8 - +2x, और ये हो जाएगा -+-8/2। सही है। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस का 8 है और वो माइनस का है, तो ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x/2, 2 2 से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बचेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। देयरफॉर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। सही है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ + 7। पहले पार्ट में इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू 3x³ + 7। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई -7, ये प्लस का है, इधर आके नेगेटिव का हो गया, इज इक्वल टू 3x³। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वाई -7/3 इज इक्वल टू x³। अब हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देंगे, तो x कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा y -7/3 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x की क्यूब और इसकी पावर 1/3। तो 1/3 1/3 से कर गया, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई वाई +7 - 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/3। तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, हम पुट करेंगे जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स। सो एक्स -7/3 टू द पावर 1/3। सही है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स -1, यानी इनवर्स में हम एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। इनवर्स की वैल्यू थी वाई एक्स -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/3। अब हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे, -1 -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 -7 हमारे पास -8 होता है, -8 डिवाइडेड बाय 3 टू होल पावर इसकी 1/3 है। अब पावर अलग अलग भी आ सकती है, तो -8 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/3। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखें तो वो 8 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें। 2 की पावर 3 8 होती है और यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, और 3 तो सेम ही रहेगा, 3 को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/3 इज़ द आंसर। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो ये हम फाइंड करते हैं, यानी एफ के अंदर पुट करनी है इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ की वैल्यू हमारे पास है 3x³ +7। अब उसके अंदर हमने ये है एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हमने पुट करनी है इनवर्स की वैल्यू, वो हमारे पास है ये वाली एक्स -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/3। सही है, 3 3 से कट गया, एक्स की पावर 3 से कट गया, एक्स -7 +7 बचा, और ये भी आपस में कट गया, हमारे पास सिर्फ एक्स बचा। इक्वेशन नंबर 1। आप उसके बाद इनवर्स एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, इनवर्स में पुट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास इधर आ जाएगा एक्स की जगह ब्रैकेट -7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। एक्स की जगह हमने पुट करना है 3x³ +7 क्यूब। अब उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई इसे खोलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x³ +7 -7 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। 3 3 से कट जाएगा और +7 -7 से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स का क्यूब होल पावर 1/3। क्यूब क्यूब से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा। सो हमारे पास दोबारा से ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल आ गई, तो हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x +9 का क्यूब। तो हमने इनवर्स फाइंड करना है एक्स का, तो हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू, इधर वाई इज इक्वल टू -x +9 का क्यूब। अब हमें क्यूब ख़त्म करना है, तो टेकिंग 1/3 पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो -x +9। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/3, ये प्लस का, तो जाकर माइनस इज इक्वल टू -x। अब x की वैल्यू हमारे पास 9 प्लस माइनस y ओवर 1/3। माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, तो 9 को पहले लिख दिया क्योंकि वो प्लस का था, ये नेगेटिव का हो गया था, तो इसे बाद में लिख दिया। पुट करेंगे जहाँ पर y है वहाँ पर x, हमारे पास f इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू द पावर 1/3। तो ये हमारे पास
पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स माइनस वन, यानी यहाँ पर माइनस वन पुट करना है। नाइन माइनस माइनस वन टू द पावर वन ओवर थ्री, माइनस वन टू द पावर वन ओवर थ्री हमारे पास माइनस वन के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस वन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नाइन प्लस वन और हमारे पास आंसर टेन आ गया। अब सी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स के अंदर इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हम माइनस एक्स है तो माइनस इंटू ब्रैकेट लगा लेते हैं एक्स की जगह प्लस नाइन का क्यूब, आप उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो नाइन माइनस एक्स का पावर वन ओवर थ्री, तो माइनस नाइन प्लस एक्स की पावर वन ओवर थ्री प्लस नाइन होल क्यूब। हमारे पास माइनस नाइन प्लस नाइन कट जाएगा आपस में, हमारे पास बचेगा एक्स की पावर वन ओवर थ्री और यहाँ पर होल क्यूब, और ये हमारे पास ये पावर्स भी कट जाएंगी, सिर्फ हमारे पास एक्स बचेगा। क्वेश्चन नंबर वन। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स, यानी अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, इनवर्स के अंदर एक्स वाली क्वेश्चन वाली वैल्यू पुट करनी है। तो इनवर्स हमारे पास नाइन माइनस एक्स की जगह वन ओवर थ्री, ब्रैकेट लगा दिया, अब उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं माइनस एक्स प्लस नाइन टू द पावर थ्री। सही है, अब उसके बाद ये हो जाएगा नाइन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस नाइन टू द पावर थ्री और इसकी होल पावर वन ओवर थ्री है, तो ये हमारे पास पावर्स आपस में कट जाएंगी, हमारे पास ये प्लस का है वो नेगेटिव का है ये भी कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास एक्स बचेगा। और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर वन और टू कंपेयर करें, दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, बस एंड में आपने ये लिख लेना है हर क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ओफ एक्स। सही है, अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर फोर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो पहले पार्ट में हमने इनवर्स फाइंड करना है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वन है। सही है, y इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये इसके साथ चले गए ना, इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। फिर उसके बाद अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, अब एक्स वाली एक जगह वाई वाली एक जगह, ये इधर आ जाएगी और ये इधर चले जाएगा, तो एक्स वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई, या वाई प्लस वन भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन, इधर लिख लेते हैं ऐसे अरेंज करके, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो हो जाएगी वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस टू। अब हम पुट कर देंगे जहाँ पर वाई है इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स एक्स हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। सही है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए हमने फाइंड करना है एफ ऑफ इनवर्स माइनस वन, यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस टू, तो ये हमारे पास ज़ीरो ओवर माइनस थ्री हो गया, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। सही है, अब सी पार्ट के लिए हम देख लेते हैं, फाइंड करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स,
और दूसरा हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ के अंदर एफ इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास एफ क्या है, ये है, इधर जिधर भी एक्स है हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो टू इंटू ब्रैकेट प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स की जगह यहाँ पर ब्रैकेट माइनस वन, देख ले, टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस टू, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे हमारे पास एक्स माइनस टू है प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू माइनस वन। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टू और टू एक्स प्लस टू, और अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस वन माइनस, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अब हमारे पास एक्स माइनस टू से कट गया, ये हो गया जगह हमारे पास थ्री एक्स, और ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्स कट गया, हमारे पास नीचे थ्री बचा, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर थ्री एक्स बचा, टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास टू प्लस वन थ्री, सही है, और हमारे पास ये थ्री थ्री भी आपस में कट गया, हमारे पास सिर्फ एक्स बचा, ये हमारे पास वन इक्वेशन हो गई। अब दूसरी वाले इक्वेशन में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी इनवर्स के अंदर एफ की वैल्यू पुट करनी है। इनवर्स हमारे पास था एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, यानी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, और एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर हम टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, सही है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड एलसीएम वाला प्रोसीजर करना है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ब्रैकेट खोला है अभी मैंने, प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस टू। अब उसके बाद यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन और यहाँ पर टू एक्स प्लस वन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में एलसीएम लेते हैं एक्स माइनस वन और यहाँ पर टू एक्स प्लस वन, माइनस टू है तो माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस टू, सही है। अब उसके बाद एक्स माइनस वन कट गया आपस में, प्लस वन माइनस वन आपस में कट गया, हमारे पास ऊपर थ्री एक्स बचा और नीचे हमारे पास टू एक्स से कट गया, हमारे पास यहाँ पर थ्री बचा, तो यहाँ पर भी सेम ही बचा थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, थ्री थ्री से कट गया, हमारे पास एक्स बचा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर वन और टू दोनों एक्स एक्स आई हैं, तो हम कह सकते थे देयर फोर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, प्रूफ सही है। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर टू, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।